गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख रहे थे हम प्रश्नावली 9.5 पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत पहले सवाल में अभी तक हमने आपको सवाल कराए उसी के अंतर्गत अब हम और लेते हैं सवाल। देखिएगा, ये जो सवाल है पहले सवाल का आठवां सवाल है, जो कि बहुत सिंपल सा है। माइनस ए प्लस सी, हम अपनी इसकी सुविधा के लिए इसको हम सी माइनस ए और सी माइनस ए लिख सकते हैं। बराबर क्या हो गया, ये सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसमें कौन सी सरल समीकरण लगेगी, सरल समीकरण नंबर दो लिख दीजिएगा। सर्वसमिका कौन सी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको देखिए क्या करना है, ए स्क्वायर मतलब किसका मान रखेंगे, a का मान कितना है, सी स्क्वायर माइनस दो ए, ए का मतलब सी, और बी, बी का मतलब यहां पे कितना है ए, प्लस बी स्क्वायर यानी किसका, ए का स्क्वायर। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है, केवल मात्र मान रखना है। देखिए क्या बना, सी स्क्वायर माइनस टू ए सी प्लस ए स्क्वायर। बस सिंपल सा सवाल था। और देखिए एक सवाल सिंपल सा, 7a माइनस 9b बराबर क्या हुआ, 7a माइनस 9b का होल स्क्वायर। अब क्या करना है, सर समीका वही पुरानी सर समीका, देखिए कौन सी लगेगी, दो नंबर लगेगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ए स्क्वायर का मतलब कितने का हुआ, 7 ए का वर्ग माइनस 2, वही पुराना काम, ध्यान रखना पहले ब्रैकेट में पहली संख्या 7 ए, सेकंड ब्रैकेट में क्या आएगी आप बताइए, बिल्कुल बता दिया, सही बताया आपने, 9b। अब देखिए 7 × 7 = 49, ए स्क्वायर माइनस कितना आया, 9 × 7 = 63, 63 × 2 = 126, ए बी प्लस 81 बी स्क्वायर। आंसर आया 49 ए स्क्वायर माइनस 126 ए बी प्लस 81 बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसमें हमने आपको एक सवाल छोड़ा है, चलिए आपको वो भी हम बता देते हैं क्या सवाल है। इसको इसी तरह देख लिया आप लोगों ने, देखिए एक सवाल छोड़ दिया हमने, चलो वो भी हम आपको करा देते हैं कि आप करके देखें। लेकिन बच्चे कह रहे हैं साहब कराइए, बिल्कुल, एक्स बटे दो प्लस 3y/4, देखो ना चित्र है, यही होगा दूसरे ब्रैकेट में है, एक्स बटे दो प्लस 3y/4 बराबर में हुआ एक्स बटे दो प्लस 3y/4 का होल स्क्वायर। यहां तक कोई परेशानी नहीं है, सर्व समीका हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी सर्व समीका लगेगी। तो आपको दिख रहा होगा सर्व समीका नंबर कौन सी लग रही है, एक। सर्व समीका एक कहती है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हमारी सर्व समीका हो गई। अब इसमें करना क्या है, एक ही जगह रखना है x बटे दो,
का स्क्वायर टू ए, ए की जगह वही एक्स बटे दो, बी की जगह तीन वाई बटे चार, प्लस बी स्क्वायर वही तीन वाई बटे चार। मान रख के देख लीजिएगा, दोनों ब्रैकेट खाली रखकर पहले ब्रैकेट में पहली संख्या, दूसरे में दूसरी संख्या, कोई सा भी तरीका आप कर सकते हैं। क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बटे चार प्लस, देखिए चाहे तो दो से दो काट दीजिए या मत काटिए, तीन दुनी छः एक्स वाई बटे चार प्लस नौ वाई स्क्वायर बटे कितना हुआ, चार चौक सोलह। अब इसको काटना पड़ेगा, तीन दो से काट दिएगा, दो तिया छः, दो दुनी चार, हमारा जो आंसर आया एक्स स्क्वायर बटे चार प्लस तीन एक्स वाई बटे दो प्लस नो वाई स्क्वायर बटे कितना सोलह। दोबारा देखिए, चार दुनी आठ, यहां पर कितने आएंगे आठ, और आठ से काटेंगे तो चार, आंसर कितने आएंगे तीन बटे चार एक्स वाई। बहुत सिंपल सा है, देख लिया, इसको काट भी सकते हैं अपन चाहे तो, दो से काट दिया, वैसे भी अगर दो से दो काटते हैं तो तीन बटे चार, सिंपल सा।